हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भिवंडी का IGM हॉस्पिटल है उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया था, तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लोग भी जानने के लिए इच्छुक है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हुए। तो थोड़ा है ना, हम यहाँ पे आज IGM हॉस्पिटल में आए हैं। हमारे साथ में हैं IGM हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल थोराज सर, तो हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है, और वो जो हमको जानकारी देंगे हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपका द वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल IGM हॉस्पिटल में कितने कोविड पेशेंट हैं? अभी IGM हॉस्पिटल में, जो कि कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ पर टोटल 17 पेशेंट एडमिट है। उसमें से 15 पेशेंट कोरोना के हैं और 2 पेशेंट्स सारी के अंडर आते हैं। वो सारी के 2 पेशेंट्स हैं। सारी के और कोरोना के जो लक्षण रहते हैं एक जैसे ही रहते हैं। इसको सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऐसा बोलते हैं, इसलिए सारी बोलते हैं। और दोनों के लक्षण जो रहते हैं वो एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन टेस्ट इसमें कोरोना का पॉजिटिव आता है और सारी में कोरोना का टेस्ट निगेटिव आता है। सर, यहाँ पे मतलब अभी कितने बेड है टोटल? मतलब अगर और भी कोई आते हैं नंबर्स, तो ऐसे कितने लोग हम लोग यहाँ पे आप ट्रीट कर सकते हैं? हम लोगों ने पूरे 108 बेड बना रखे हैं यहाँ पर ये हॉस्पिटल में, और ये 108 की कैपेसिटी है जो कि हम लोग एडमिट कर सकते हैं। सर, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी तक ये कोई डिस्चार्ज होके गया है क्या पेशेंट? जी, ये हॉस्पिटल 21 अप्रैल से चालू हो गया है, और जो भी पहला पेशेंट आता है उसको हम लोग 14 दिन तो रखते ही। अच्छा। उसके बाद उनका रिपोर्ट किया जाता है, 2 बार रिपोर्ट किया जाता है। अगर रिपोर्ट निगेटिव आता है तो उनको डिस्चार्ज दिया जाता है। आज तक तो अभी 14 दिन हुए नहीं, और 14 दिन के बाद जो पहला पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ था उसका हम लोग रिपोर्ट करवाएंगे। अगर रिपोर्ट सही आया तो हम लोग उनको डिस्चार्ज करवा देंगे। सर, ये थोड़ा सा पूछना था कि यहाँ पे जो भी पेशेंट है तो ये सिर्फ भिवंडी सिटी के है कि ग्रामीण के भी है? हमारे यहाँ पर डॉक्टर शेट्टी सर हैं, जो कि हमारे सहयोगी हैं, और ये हॉस्पिटल के इंचार्ज भी है। अभी वो जो काम काज देखते हैं वो इसके बारे में सब बता देंगे। डॉक्टर शेट्टी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द वॉइस में। तो थोड़ा सा आप बता दीजिए, जो अभी हमने सवाल पूछा कि भिवंडी के अंदर जो IGM के अंदर जो पेशेंट है तो वो सिर्फ भिवंडी सिटी के है कि ग्रामीण विभाग के भी है? अभी हमने भिवंडी सिटी में ऐसी व्यवस्था की है कि फीवर के जो भी पेशेंट आते हैं उनको फीवर क्लिनिक म्युनिसिपैलिटी ने बनाया गया है। जो 5 जगह पे भिवंडी के नगर पालिका के जो अर्बन हेल्थ सेंटर्स है उधर बनाया गया है, तो वहाँ फीवर के पेशेंट्स आते हैं। उनमें से अगर डॉक्टर को किसी पेशेंट में कोरोना के लक्षण या ये दिखते हैं तो उनको अमंत्रा में ट्रांसफ़र किया जाता है। अमंत्रा जाके पेशेंट को हम रखते हैं। अमंत्रा में अगर पेशेंट का टेस्ट किया जाता है, उसमें टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को IGM में भेजा जाता है। अगर टेस्ट करने से पहले भी किसी पेशेंट में लक्षण ज़्यादा है, सिम्टम ज़्यादा है, तो टेस्ट करने से पहले भी उसको एडमिट करने के लिए यहाँ भेजा जाता है, और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर उसको 14 दिन तक कोरोना अस्पताल में अमंत्रा में ही रखा जाता है। तो अभी पेशेंट जो हमारे पास एडमिट आते हैं तो अमंत्रा से जो रिफ़र हुए आते हैं वही एडमिट, वो कोई भी हो, फिर भी मतलब सिटी के हो, ग्रामीण के हो, कोई भी। हाँ, नगर पालिका क्षेत्र और भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र के पेशेंट्स अमंत्रा में एडमिट है, उनमें से वो कोई भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट, मतलब थोड़ा सा आप जो प्रोसेस बताएंगे कि मतलब कितने दिन तक अच्छा होता है? जैसे डॉक्टर साहब ने तो बताया था, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। उनके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आते हैं वो हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन कोई भी कैटेगरी का पेशेंट हो तो उनको कम से कम 14 दिन तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। 14वें दिन पे उसका सेकंड टेस्ट, जो पहली टेस्ट तो कोरोना आने से पहले किया जाता है, 14वें दिन और 15वें दिन पे 2 टेस्ट किया जाता है। लगातार 2 टेस्ट नेगेटिव हुए तो ही उस पेशेंट को कोरोना नेगेटिव डिक्लेयर किया जाता है, वरना उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। तो 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ से कोई डिस्चार्ज नहीं है। 21 तारीख को अस्पताल शुरू हुआ तो अभी तक 14 दिन हुए नहीं है।
तो 14 दिन होने के बाद टेस्ट होगा, उसका रिपोर्ट आने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। अच्छा, इसमें जो पेशेंट है, मतलब जैसे कि जो स्टाफ है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत आती है कि स्टाफ जैसे मना करते हैं कि कोविड पेशेंट को ट्रीट करने का, थोड़ा सा अगर ऐसा? नहीं, हमारा स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है और हम सब डॉक्टर, स्टाफ, वार्ड बॉयज, इन्होंने पूरी लगन से और मेहनत से ये अस्पताल बनाने से, क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म किया हॉस्पिटल, किसी में भी कोई भी डर इस चीज़ की नहीं है कि हमें कोरोना हो जाएगा, या क्योंकि हमें सिखाया ही ये गया है कि अभी और इस वक्त पे हम ही फाइट कर रहे हैं, तो जैसे पुलिस रास्ते पे खड़े हैं वैसे हम लोग इस अस्पताल में खड़े हैं। भिवंडी वासियों से गुजारिश है कि हम सबको सहयोग करें। सर, आप कुछ भिवंडी वासियों को बोलना चाहेंगे? जी, हम लोग पूरी तैयारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। मेरे डॉक्टर्स, मेरे स्टाफ, मेरे सब कर्मचारी, हम लोग पूरी तरह, और कॉरपोरेशन का भी हमें बहुत सारा सहयोग है, उनके अंडर ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तैयारी में हैं। भिवंडी वासियों को मेरा ये कहना है कि आप डरिए मत, बस अपना ख्याल रखिए, जो भी गवर्नमेंट बोलती है सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क यूज़ करने का, उसका पालन कीजिए, भीड़ में जाना टालिए, और अगर ऐसा कुछ भी लक्षण अगर आपको दिखाई देता है तो फौरन उसकी जांच के लिए आगे आइए, और कोई भी, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर अनिल सर, अनिल थोराट, जो कि IGM हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हमको डॉक्टर अमोल छेटे ने भी काफ़ी जानकारी दी, काफ़ी क्लियर किया है कि किस तरह से यहाँ पे आके ट्रीटमेंट होता है कोविड पेशेंट का। और ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए द वॉइस चैनल में। थैंक यू।